10 मिनट। जी हाँ फ्रेंड, 10 मिनट आज मुझे दीजिए। आज मैं आपको पैसा कमाने का एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसका इस्तेमाल करके आप पार्ट टाइम या फुल टाइम काम करके आप एक रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश रोशन स्वागत करता हूँ वायरल इन्फो वार में। ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। यदि आप कोई न्यू स्किल सीखना चाहते हैं, बस ये वीडियो को आप आखिरी तक देखते रहो। ये वीडियो टी चिप के बारे में है जहाँ पे आपको मिलता है रेगुलर इनकम करने का मौका। इसमें बिना किसी इन्वेस्टमेंट के आप घर बैठे पैसा अर्न कर सकते हैं। टी चिप एक प्रिंट ऑन डिमांड की कंपनी है जहाँ पर आप फ्री में एक डिजिटल स्टोर क्रिएट करके ओपन करके यूनिक प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं और वहां से एक अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं। और बाकी का सारा काम जैसे प्रिंटिंग, पैकेजिंग, डिलीवरी और कलेक्शन, सारा काम टी चिप करेगी और आपका परसेंटेज आपके अकाउंट में आते रहेंगे। आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं हाउ टू क्रिएट अकाउंट ऑन teachip.com, हाउ टू ओपन ए स्टोर, हाउ टू डिजाइन प्रोडक्ट एंड हाउ टू स्टार्ट अर्निंग मनी। फ्रेंड्स, आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर के ब्राउज़र में टाइप करेंगे teechip.com, फिर आप इस पेज पे आ जाएंगे या इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा हूँ, वहाँ पे भी क्लिक करके आप डायरेक्ट इस पेज पे आ सकते हैं। इस पर पैसे अर्न करने के लिए आपको सेलर अकाउंट बनाना पड़ेगा। उसके लिए आप आ जाएंगे बिल्कुल नीचे, यहाँ पर आप देख रहे हैं सेल ऑन चिप, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे गेट स्टार्टेड, यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं या यहाँ भी क्लिक कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे फिर से आप इसी पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको अपना एक ईमेल आईडी डाल करके गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। मैं ईमेल आईडी डाल देता हूँ, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे। जैसा कि आपने ईमेल आईडी यहाँ पे डाला था वो ऑलरेडी यहाँ पे शो हो रही है। यहाँ पे आप अपना एक पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे। आई एम नॉट रोबोट को यहाँ पे चेक मार्क लगा करके रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप पासवर्ड को सेव कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ। यहाँ पे अपना फुल नेम डालेंगे, यहाँ से अपना कंट्री सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे इंग्लिश को ऑलरेडी सेलेक्टेड रहने देंगे, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। आर यू ऑलरेडी सेलिंग, क्या आप पहले से सेल करते हैं, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं आपका जो सूट करता है वो आंसर यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। आई सेल विथ डिफरेंट सिस्टम, आई एम नॉट सेलिंग एट, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि अभी मैं अकाउंट बना ही रहा हूँ। व्हाट इज योर एक्सपीरियंस लेवल, आप कितने साल से काम कर रहे हैं आप। आई एम जस्ट गेटिंग स्टार्टेड है, 0 to 1 year का एक्सपीरियंस यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो उसको भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। व्हाट इज योर बिजनेस मॉडल, आप किस को आपका बिजनेस का मॉडल क्या है, प्रिंट ऑन डिमांड, ड्रॉप शिपिंग या दोनों। प्रिंट ऑन डिमांड एंड ड्रॉप शिपिंग के बारे में ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखा है मेरे चैनल पर जाकर के आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं प्रिंट ऑन डिमांड सेलेक्ट कर लेता हूँ, फिर डन पे क्लिक करेंगे। आपके अकाउंट के सिक्योरिटी के लिए आपके ईमेल आईडी पे एक मेल आया होगा, वहाँ से आप उसको कंफर्म करेंगे। उसके लिए आप अपना ईमेल आईडी ओपन करेंगे, जैसे ये मैंने ओपन कर लिया, यहाँ से कंफर्म ईमेल पे क्लिक करेंगे, यहाँ से कंफर्म योर मेल को क्लिक कर देंगे। इस तरीके से हमारा ईमेल कंफर्म हो चुका है। यहाँ पे क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करके एक कैंपेन क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पे आप उन सारे प्रोडक्ट को सेलेक्ट करेंगे जिसको आप डिज़ाइन करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे है आपका क्लासिक टी शर्ट है, प्रीमियम फुल मेंस टी है, प्रीमियम फुल लेडीज टी है, ये जो भी आप उसको डिजाइन करना चाहते हैं उसको आप यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैं दो को सेलेक्ट कर लेता हूँ, आप ज़्यादा को भी सेलेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं। और भी बहुत सारे यहाँ पे प्रोडक्ट आपको दिखाई देंगे, अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे बहुत सारे प्रोडक्ट आपको दिखाई देंगे। जिसको भी आपको डिजाइन करना है उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे, फिर कंटिन्यू करेंगे। ये टी शर्ट का फ्रंट पोर्शन शो हो रहा है, अगर आप बैक पे डिजाइन करना चाहते हैं आप यहाँ पे बैक को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो तत्काल में फ्रंट पे यहाँ पे डिजाइन करता हूँ। यहाँ पे आप अपलोड आर्ट वर्क पे क्लिक करेंगे और जो भी आपके पास जो डिजाइन है उसको आप यहाँ से ओपन कर लेंगे। जैसे मेरे पास एक टाइगर का फेस है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। इस तरीके से आप देख सकते हैं डिजाइन यहाँ पे अपलोड होना शुरू हो चुका है। अब आप देख सकते हैं हमारा डिजाइन यहाँ पे शो हो रहा है। इसको थोड़ा सा ऊपर या नीचे, कम या ज़्यादा यहाँ से आप कर सकते हैं। रेजोल्यूशन को आप ज़्यादा या कम यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा रेजोल्यूशन बड़ा भी नहीं होना चाहिए ताकि क्वालिटी इसका बैड हो जाए। तो इसको मैं बिल्कुल बीच में डाल देता हूँ। इसको ऊपर नीचे करने के लिए हम इसको भी यूज कर सकते हैं आप। ये तो डिजाइन हो गए। अगर आपको यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखना है तो आप टी पे क्लिक करेंगे, एक बॉक्स ओपन होगा, उस बॉक्स में जो भी आप करेक्टर लिखेंगे, जो भी वर्ड आप लिखेंगे वो चीज़ आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। ये फ्रंट शो हो रहा है, अगर आपको बैक पे करना है तो बैक को सेलेक्ट करके आप सेम काम करेंगे। अब इस टी शर्ट का कुछ कलर्स है, कलर्स को आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ये सारा कलर है, जो भी कलर आप सेलेक्ट करना चाहें आप इस तरीके से सेलेक्ट कर लेंगे, डन करेंगे। सेलेक्ट ऑल भी कर सकते हैं, फिर इस टी शर्ट का भी आप कलर
चेंज करना चाहें आप कर सकते हैं इस तरीके से। जो भी कलर आपको सूट लगता है या आपके डिज़ाइन के हिसाब से जो अच्छा लगने वाला है या लगता है वो उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे, डन पे क्लिक करेंगे। इस तरीके से हमने टी शर्ट का कलर भी सिलेक्ट कर लिया, फ्रंट पे डिज़ाइन भी डाल दिया, अगर कोई टेक्स्ट लिखना था तो टी पे डाल करके डालना था, ठीक है ना। अगर कोई और प्रोडक्ट हमें ऐड करना है तो ऐड प्रोडक्ट पर हम कुछ प्रोडक्ट को भी ऐड करा करके सेम तरीके से हम डिज़ाइन कर सकते हैं। अब आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, आपके प्रोडक्ट की प्राइसिंग शो हो रही है। यहाँ पे आपका जो बेस कॉस्ट है $6 है, सेलिंग प्राइस जो है $22.95 है, और एक्सपेक्टेड जो सेल्स वॉल्यूम है, एक्सपेक्टेड जो सेल है वो है आपका $50। आपको पर यूनिट जो प्रॉफिट मिलने वाला है वो $76 है। इस तरीके से सेम इस पे भी डिजाइन होता है। अगर आप इसको कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, मार्जिन को आप कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तत्काल में इसमें कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ। अब आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप प्रोडक्ट का टाइटल लिखेंगे, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। डिस्क्रिप्शन को आप पॉइंट वाइज लिख सकते हैं, जैसे ये किस कलर में है, इसका क्वालिटी क्या है, इसका और डिज़ाइन क्या क्या है, उस इस तरीके से अच्छा से एक डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे एक वर्ड डालना है सो दैट कि एक URL क्रिएट हो जाए tzip.com के साथ। उसके बाद का जो भी इंफॉर्मेशन है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है और वो ऑप्शनल है, वो सारे को आप स्किप करते हुए इसको आप पब्लिक पे क्लिक करेंगे, फिर आप लॉन्च कैंपेन पे क्लिक करेंगे। इस तरीके से मैंने यहाँ पे अपने तरीके से टाइटल डाल दिया है, आप अपने तरीके से जो प्रोडक्ट होगा उसके अनुसार यहाँ पे आप टाइटल डालेंगे। यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन में 2-3 लाइन लिख दिया है, आपका जो प्रोडक्ट होगा उस तरीके से आप अपना डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। अगर आपको डिस्क्रिप्शन लिखने में कोई परेशानी हो रही है तो आप गूगल पे भी सर्च करके अच्छा सा डिस्क्रिप्शन आप लिख सकते हैं। जिस तरीके से और किसी ऑनलाइन वेबसाइट पे प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन होता है, आप उसको भी देख करके आइडिया लगा सकते हैं कि आप अपना प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन कैसे लिखेंगे। यहाँ पे आपको अपना एक यूनिक नेम डालना है सो दैट कि टीचिप के साथ आपका एक URL जनरेट हो जाए। उसके बाद आपको नीचे आना है, विजिबिलिटी में आपको यहाँ पे पब्लिक को सिलेक्ट करना है, फिर आप इस कंपेन को यहाँ से लॉन्च कर देंगे, लॉन्च कंपेन पे क्लिक करेंगे। अब आप देख सकते हैं आपका प्रोडक्ट यहाँ पे डिजाइन हो चुका है और आपका डिजाइन रिव्यू में जा चुका है, और रिव्यू होने के बाद जैसे ही अप्रूव होकर के आएगा आपके स्टोर में ये चीज़ें शो हो जाएंगी। ये चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका प्रोडक्ट किस तरीके से यहाँ पे शो हो रहा है। यहाँ पे अलग अलग साइज है, कलर्स हैं, जो भी आपने टी शर्ट का डिज़ाइन को सिलेक्ट किया था वो सारा चीज़ आपका यहाँ पे शो हो रहा है। अगर आपको इस यहाँ से बाय करना है, बाय इट नाउ पे क्लिक करेंगे और आप इसको अपने लिए सैंपल प्रोडक्ट के रूप में आप खुद भी परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे आपका फ्रंट शो हो रहा है, यहाँ पे आपका बैक शो हो रहा है। इस तरीके से आप बहुत सारा प्रोडक्ट को यहाँ पे आप डिज़ाइन कर सकते हैं और आप अपने स्टोर में डाल सकते हैं। यहाँ पे अपना एक स्टोर ओपन करेंगे, उसके लिए यहाँ पे स्टोर फ्रंट पे क्लिक करेंगे, क्रिएट स्टोर फ्रंट। यहाँ पे आप अपना स्टोर का यहाँ पे टाइटल डालेंगे, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डालेंगे, यहाँ पे URL को आप डालेंगे, कुछ भी अपना एक वर्ड डाल देंगे सो दैट कि आपका टी चिप की तरफ से एक URL जनरेट हो जाए। यहाँ पे आप बैनर को अपलोड कराएंगे, फिर आप अपना कंपेन क्रिएट करेंगे, फिर विजिबिलिटी को आप पब्लिक ही रहने देंगे, फिर आप यहाँ पे क्रिएट स्टोर फ्रंट पे क्लिक करेंगे। तो ऊपर से मैं 1x1 करके लिख देता हूँ। इस तरीके से मैंने अपने स्टोर का यहाँ पे टाइटल डाल दिया, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाल दिया। हालांकि डिस्क्रिप्शन काफ़ी छोटा है, आप गूगल पे जा करके या किसी प्रोडक्ट के बारे में डिस्क्रिप्शन देख करके आइडिया लगा सकते हैं कि आपके प्रोडक्ट के अनुसार या आपके स्टोर के अनुसार अच्छा डिस्क्रिप्शन किस तरीके लिख सकते हैं। यहाँ पे आप एक बैनर लगा देंगे सो दैट कि आपका स्टोर का लुक थोड़ा चेंज हो जाए। यहाँ पे आप लोग क्लिक करेंगे, इस तरीके से मेरे पास कुछ डिज़ाइन है, इस डिज़ाइन को सेलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे। इस तरीके से आपका बैनर अपलोड हो चुका है। अब आप यहाँ पे कैंपेन पे क्लिक करेंगे, ऐड कैंपेन करेंगे। यहाँ पे जो कैंपेन अभी आपने क्रिएट किया है इसको आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से डन कर देंगे। अब आपकी विजिबिलिटी जो है इसको आप पब्लिक रहने देंगे और आप क्रिएट स्टोर फ्रंट पे क्लिक करेंगे। अब आप देख सकते हैं ये आपका स्टोर फ्रंट है, जो स्टोर फ्रंट का टाइटल आपने डाला था RNG स्टोर ये यहाँ पे है, जो प्रोडक्ट आपने डिजाइन किया था उसका URL यहाँ पे दिख रहा है। ये आपका डिटेल्स, अगर आप देखना है तो डिटेल देख सकते हैं। जैसे इसको आप URL पे क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं आपने जो भी डिज़ाइन किया था वो आपके स्टोर में शो हो रहा है या नहीं। आप देख सकते हैं दो प्रोडक्ट को आपने डिज़ाइन किया था, वो दोनों प्रोडक्ट आपके
स्टोर में शो हो रहा है विथ प्राइसिंग और टाइटल डिस्क्रिप्शन सारे चीज़ इसमें आपको शो हो रहेंगे। ये आपका टाइटल ऑलरेडी लिखा हुआ है। अगर आप एक से ज़्यादा स्टोर फ्रंट को क्रिएट करना चाहते हैं आप यहाँ पे क्लिक करके कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आप अपने स्टोर में जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट को डिज़ाइन करके डालेंगे उतना ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे यहाँ पे सेल होने के। और जैसे जैसे ज़्यादा सेल होगा आपको मार्जिन, यहाँ पे प्राइसिंग वाले सेक्शन में आपने देखा है कि आपको मार्जिन पर यूनिट कितना मिलने वाली है। तो इस तरीके से आप इस स्टोर पर बहुत अच्छा खासा, बहुत ही मंथली अच्छा खासा मंथली इनकम आप जनरेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक प्रोडक्ट को आपने डिज़ाइन किया तो वो एक ही बार सेल होगा, वो बार बार, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपका प्रोडक्ट होगा उतना ज़्यादा बार वो सेल होगा, उतना ज़्यादा आपका इनकम जनरेट होगा। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि एक स्टोर क्रिएट होने के बाद आपको यहाँ से पैसिव इनकम जनरेट होना शुरू हो जाएगा। तो हम जैसे फ्रीलांसर या पार्ट टाइम या फुल टाइम काम करके यहाँ से एक बहुत ही अच्छा खासा हैंडसम मनी आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। यहाँ से आप डेट या वीक या ऑल टाइम टुडे स्टार्टेड जो भी है यहाँ पे डेट सेलेक्ट करके आप देख सकते हैं कि आपका स्टोर पे कितने व्यूज आए हैं, कितने ऑर्डर जनरेट हुए हैं और सेल कितना हुआ है अभी तक और आपका प्रॉफिट कितना है। जो भी प्रॉफिट है आपको सारा चीज़ आपको यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे प्रॉफिट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऐड पेमेंट इन्फो करेंगे। यहाँ पे आप अपना पे आउट प्रेफरेंस को सेलेक्ट करेंगे, जैसे आप किस अकाउंट में अपना पे आउट लेना चाहते हैं, आपके पास पेपल का अकाउंट है या पायनियर का है या वायर ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं, तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, पेपल भी सेलेक्ट कर सकते हैं या पायनियर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर आपने पेपल सेलेक्ट किया, यहाँ पे आप पेपल का ईमेल आईडी डालेंगे, यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम डालेंगे, यहाँ पे लास्ट नेम डालेंगे। अगर आपने पायनियर को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आप अपना पायनियर का ईमेल आईडी डाल करके इसको लिंक करेंगे। यदि आप वायर ट्रांसफ़र चाहते हैं तो आप अपना अकाउंट नेम, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, सारा डिटेल यहाँ पे, नेम, सिटी, एड्रेस सारा डाल करके आप सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे। इस तरीके से आपका पेमेंट मेथड भी कंप्लीट हो चुका है। अब जो भी पेमेंट आना होगा या आपको रिसीव करना हो या सेंड करना हो आप पेपल का यूज कर सकते हैं, या आप वायर ट्रांसफ़र के थ्रू करना चाहते हैं तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसी तरीके से इस साइट पे आप भी अपना अकाउंट क्रिएट करके एक रेगुलर इनकम कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि ये इनकम आज से ही शुरू हो जाएगी, लेकिन इस प्रोसेस को फॉलो करके जितना ज़्यादा आप मेहनत करेंगे उतनी जल्दी इनकम शुरू हो जाएगी। इस तरीके का और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। सो गाइस, कीप वॉचिंग, हिट द लाइक बटन, सी यू द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।